अयोध्या रेलवे स्टेशन से और ये जो राम जन्मभूमि मार्ग पथ है वो, तो फाइनली ये है जो सीधा आपको राम जन्मभूमि की तरफ रास्ता लेके जाएगा, ये सीधे। नमस्कार प्रणाम, मैं शुभम, अयोध्या उत्तर प्रदेश से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग नए वीडियो में। तो फाइनली आज अभी मैं अयोध्या रेलवे स्टेशन, जो कि पुराना वाला रेलवे स्टेशन ये और नया वाला रेलवे स्टेशन ये सामने आप देखेंगे गाइस, जो कि अभी इसका अनावरण उद्घाटन नहीं हुआ है, तो अभी फाइनली पुराना वाला ही चल रहा है। और ये पूरी रेलवे स्टेशन की जो पार्किंग एरिया है वो आपको, तो आज फाइनली मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा जो अयोध्या रेलवे स्टेशन से राम जन्मभूमि का जो मार्ग है वो कितनी दूर पर है, और बाकी यहाँ से आपको पूरा दिखाएंगे कि जाने की कौन सी सुविधाएं हैं। बाकी आप रेलवे स्टेशन से निकलेंगे बाहर तो आपको ये बैटरी रिक्शा वगैरह खड़ी मिल जाएगी, जिससे आपको राम जन्मभूमि मार्ग पे और राम मंदिर मार्ग पे छोड़ने के लिए आसानी होगी। यहाँ से आपको नए घाट, राम जन्मभूमि, सारे जगहों का आपको पूरा सुविधा मिलेगा गाड़ियों का, और ये जो नया रेलवे स्टेशन है वो, बाकी सीधे आपको चलना है यहाँ से राम जन्मभूमि मार्ग के लिए। रेलवे स्टेशन से सीधा रास्ता है, आपको कहीं नहीं जाना है, सीधे आपको आना है। और ये अभी रोड वगैरह चौड़ीकरण होना है, जो कि अभी इसका काम नहीं चल रहा है, इसका काम अभी पूरा रेलवे स्टेशन फाइनल हो जाने के बाद ही शुरू होगा, तो अभी रेलवे स्टेशन का काम पूरी तरीके से फाइनल नहीं हुआ। आपको इस रोड पर काफ़ी सुविधाएँ भी मिलेंगी, जिससे आप भोजन वगैरह भी कर सकते हैं और काफ़ी इकोनॉमिकल में, बहुत महंगा भी नहीं पड़ेगा आपको। और ये आप देखेंगे तो अभी चौड़ीकरण होने के बाद ये पूरा राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड आपको बस मंदिरों का आकार का दिखेगा, और सामने आपको दिख रहा होगा बिरला धर्मशाला। और ये एक जो नई अपार्टमेंट, नई बिल्डिंग तैयार हो रही है, ये देखेंगे आप तो ये भी भगवा कलर का रंगा जा रहा है, और जो इसका फ्रंट लुक है ऐसे लुक पूरे रोड पर आपको मिलेगा इस तरीके से। ये जो अपार्टमेंट बन रही है अभी दुकानें अलाट होनी है, जो शटर वगैरह अंदर लगी आप देख सकते हैं। बाकी इधर दुकानें अलाट होंगी कि रेलवे स्टेशन से आप आएंगे तो आपको दुकानें मिल जाएंगी सामग्री वगैरह ख़रीदने के लिए, फिर आपको राम जन्मभूमि जाना होगा। तो ये काफ़ी खूबसूरत बन भी रहा है, और यहाँ से भी आपको अभी चलना है सीधे जो राम जन्मभूमि मार्ग के लिए। आगे आपको मिलेगा जो अयोध्या का हॉस्पिटल है, तो आपको इस पर हॉस्पिटल की भी सुविधा मिलेगी एनी टाइम, जब भी आप आएंगे रेलवे स्टेशन से। तो इस रोड पे आपको खाने से लेके रहने तक का और बाकी हॉस्पिटल का भी व्यवस्था, इमरजेंसी सुविधाएं भी हैं। सरकार इसको देखते हुए कि श्रद्धालुओं को कोई कष्ट ना हो, इस वजह से ये अयोध्या का हॉस्पिटल। तो यहाँ से आपको लेना है राइट साइड, लेफ्ट चला जाएगा आपको साकेत डिग्री कॉलेज, और राइट लेके आपको आना है ये जो पार्किंग बन रही है फोर व्हीलर की, काफ़ी बड़ी पार्किंग बन रही है इधर जो बाहर से आ रहे हैं। अभी तो फाइनली पार्किंग कंप्लीट नहीं हुआ है, इसी वजह से ये गाड़ियाँ आपको यहाँ रोड के किनारे पार्क हुई मिल रही हैं। बाकी ये राइट साइड आपको बिरला धर्मशाला, जो कि अभी इसका बाउंड्री टूटा था और ये वाले कम्प्लीट हुई हैं, ये देखेंगे तो आप पूरा ये बिरला धर्मशाला, जो कि काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है ये। और बाकी इधर अभी जो सीवर वगैरह का काम चल रहा है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ से आपको चलना है सीधे 650-650 मीटर टोटल है यहाँ से, ये पूरी पार्किंग गाड़ियों की 650-650 मीटर टोटल है अयोध्या रेलवे स्टेशन से और ये जो राम जन्मभूमि मार्ग पथ है वो। तो फाइनली ये है जो सीधा आपको राम जन्मभूमि की तरफ रास्ता लेके जाएगा, ये सीधे। और आगे ये हनुमानगढ़ी है आपको सामने, और बाकी ये अयोध्या रेलवे स्टेशन की तरफ से रास्ता और राम जन्मभूमि की तरफ सीधे लेके जाएगी। तो फाइनली यहाँ से आपको ये मिलेगा कि आप हनुमानगढ़ी का भी अच्छे से दर्शन। फाइनली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे अयोध्या के डेवलपमेंट की ढेर सारी वीडियो आपको देखने मिले। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय श्री राम।